हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर नॉलेज में। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट के सेट 31 की। अब तक हमने 30 सेट में, 30वें सेट में अर्थात हमारे पुराने सेट में हमने इस पेपर का पहला भाग सॉल्व कर लिया था। पेपर है 9 बजे का, अर्थात 24 अगस्त की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। जैसा कि आपको पता है कि हम ओल्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं एमपी पुलिस के। देखिए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के 2017 के पेपर हैं। पहला भाग हमने सॉल्व कर लिया था, बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो विचार है वो कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग, मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड का दूसरा भाग है। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, तो यहाँ हमको क्रम समझना है कि क्या क्रम दे रखा है। देखिए, यहाँ त्रिभुज और वृत्त दे रखा है। वृत्त इस बार छोटा था और त्रिभुज बड़ा था, और यहाँ सेकंड में क्या हो गया है, त्रिभुज छोटा हो गया है और वृत्त बड़ा हो गया है, और साथ ही ये वृत्त के अंदर दिया गया है। तो इसी प्रकार से थर्ड से फोर्थ में भी होगा। ये जो नीचे त्रिभुज दे रखा है, इसको इसकी आकृति क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये जो बड़ा दे रखा है इसकी आकृति जो है वो छोटी हो जाएगी। इस प्रकार से लगभग आकृति बनेगी। देखते हैं हमको ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन फोर्थ दे रखा है हमको इसी प्रकार का, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2/2 और 3/4 के मध्य होगा, तो दशमलव में अगर आप इनको कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा भी मध्य की संख्या निकालने के लिए जो नवी 9th क्लास के जो सवाल हैं वो आपने किए होंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी विधि आप अपना सकते हैं। देखिए, जब हम इसको हल करते हैं तो आंसर आते हैं 1/2 का मतलब होता है 1, और 3/4 का मतलब होता है 0.4728 और 4×5=20। 0.75 और 1 के बीच में कोई भी दशमलव में अंक आ रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चारों ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। अब आप सबका भाग दीजिएगा एक दूसरे में, तो दशमलव में आपको जो भी आंसर प्राप्त होंगे तो अलग अलग आंसर चारों के मिलेंगे। सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आप 21 में 29 का भाग दोगे तो जो दशमलव में आंसर आएंगे वो इन दोनों के बीच के ही आंसर होंगे। आप भाग देकर देखिएगा और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे बताइएगा कि सर ये जो 21/29 है इसका दशमलव में मान ये आया है। मैं प्रतीक्षा करूँगा आपके जवाब की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये, क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे दशमलव ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो कौन सा एक विकल्प बनता है। तो अतिव्यापित होने वाला भी एक प्रश्न हर बार आ ही रहा है, तो अतिव्यापित होने में यहाँ तो कोई नई डिज़ाइन नहीं बनेगी, ये ऊपर वाले दोनों डिज़ाइन यहाँ आ जाएंगे, बाकी जो नीचे हैं वो ऐसा कैसा ही रहेगा। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्टली दे रखा है इसने, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दोनों के दोनों डिज़ाइन इसने सेम टू सेम ऊपर दे रखे हैं और ये नीचे वाला डिज़ाइन भी वैसा ही दे रखा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। जबकि सेकंड ऑप्शन में देखिए, यहाँ नीचे ब्लैंक दे रखा है, जबकि यहाँ तो ये पूरा का पूरा ब्लैक है और यहाँ इसने वाइट बना दिया इसको, तो इसलिए गलत हो गया। इसी प्रकार से थर्ड ऑप्शन भी देखिए, ये यहाँ पर जो चांद बना रखा है ये वाइट है और यहाँ ब्लैक बना दिया। इस प्रकार की गलतियाँ इसने अदर ऑप्शन में कर रखी है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन सही था और फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा आंसर हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी हमको बताना है। क्या दिया गया है, ये जो आकृति है इसके अंदर कुछ रेखाएं फिर अंदर बना दी गई है। कितनी रेखाएं बनाई गई, लगभग 6 रेखाएं बनाई गई हैं या 3 सीधी रेखाएं बनाई गई हैं। तो अब इस आकृति में भी क्या होगा, लगभग इसी प्रकार की रेखाएं हमको बनानी है। तो इस प्रकार दे रखा है ये हमको, किस में दे रखा है, ये दे रखा है हमको फोर्थ ऑप्शन में। देखिए, इसमें भी बना तो रखी है, लेकिन इसमें ये जो आकृति है ये बिगाड़ रखी है। ऊपर मैं आपको फिर से ले चलता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास इस प्रकार की आकृति थी, मतलब ऊपर जो है ये आड़ा डंडा था, जबकि उसने थर्ड में इस प्रकार दे रखा है। ये देखिए, अभी आप फिर से देखिए ये, और फोर्थ ऑप्शन व्यवस्थित दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। बस ये आपकी आंखों का और आपके दिमाग का मेलजोल रहेगा इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना। एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 से बढ़कर 3,32,800 हो गई, तो प्रतिवर्ष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो प्रतिवर्ष जनसंख्या कितनी बड़ी है, तो हम मान लेते हैं कि x प्रतिशत जो है वो जनसंख्या बढ़ गई है। अब देखिए, कितने वर्षों में जनसंख्या बढ़ी है ये नहीं दे रखा है यहाँ आपको,
जब उसने वर्ष नहीं दे रखे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ एक वर्ष की बात हुई है। तो हम मान लेते हैं कि x प्रतिशत बड़ी है अर्थात 260,000 लिख दिया मैंने ऐसा का ऐसा ही। कितने प्रतिशत बड़ी है? x प्रतिशत बड़ी है इसका मतलब कि 100 प्लस एक्स बटे 100 हो गया है। ठीक है, बड़ी है इसलिए मैंने जोड़ दिया 100 में। हम हर बार वही करते हैं। बढ़कर कितनी हो गई है? 3,32,800 हो गई है। तो 3,32,800 लिख लेते हैं। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये 2600 जो बच रहा है ये यहाँ आ जाएगा बटे में। तो जब 2600 यहाँ बटे में आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? ये यहाँ से यहाँ चला गया, बचा सिर्फ 100 प्लस एक्स। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 26 से जब आप इसको काटोगे तो 26 से कम 26, 26 दुनी 52 और 26 आंटे ये 128 आंसर आएंगे। अब ये 100 प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 128 में से 100 घटेगा तो आंसर आएंगे 28। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 28%। आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही फास्ट होनी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है आपकी डेली की प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। टारगेट अगर आप भूल गए हो तो मैं आपसे फिर से याद दिला दूँ, टारगेट है हमारा 90 नंबर्स का। छोटा टारगेट नहीं है, बड़ा टारगेट है। तो बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत आपको करनी है। कृष्णा जब 25 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है तब उसे ज्ञात होता है कि उसकी यात्रा का 3/5 भाग अभी भी शेष है। तो संपूर्ण यात्रा की लंबाई कितनी थी? तो 3/5 भाग शेष है अर्थात 2/5 भाग उसने अभी तय कर लिया है। 2/5 भाग मतलब कितना है? ये 25 है। 2/5 कैसे? क्योंकि मैंने 5 में से 3 को घटा लिया तो आंसर आया 2/2, तो वैसा का वैसा ही रहता है। मतलब कुल मिला के कितनी दूरी थी ये? तो कुल मिला के दूरी थी ये, इसके लिए हम इसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं 25 में। तो 25 × 5/2 इतनी दूरी थी। तो 25 × 5 हो जाएगा 125। तो 125/2। अब यहाँ सब सही में दे रखे हैं तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। 2 × 12, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। 62 सही 1/2 जो है वो अर्थात थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, एक पुरुष 25 रुपये में 10 सेब खरीदता है, उन्हें 25 रुपये प्रति दर्जन बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दर्जन के हिसाब से है तो 25 रुपये में 10 सेब खरीदता है। हम इसको सरल करने के लिए हम मान लेते हैं टोटल सेब कितने हैं, 120 सेब वह खरीदता है। तो 120 सेब खरीदने के लिए उसको कितने पैसे लगते हैं? तो 25 × 12, 25 × 12 क्यों? क्योंकि 10 सेब खरीदने में वो 25 रुपये, तो 120 खरीदने में, तो 25 × 12, तो 12 × 5 = 60, 6 × 12 = 24 और 6 = 30। तो 300 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब दर्जन में कितने होते हैं? दर्जन में होते हैं 12। एक दर्जन में कितने सेब होते हैं? 12 सेब होते हैं। तो टोटल कितने दर्जन बनेंगे? अब 10 दर्जन बनेंगे। वो 25 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो बेच रहा है, यानी कि उसके पास आएंगे कितने रुपये? 250 रुपये आएंगे। तो 300 रुपये क्रय मूल्य और 250 रुपये विक्रय मूल्य, अर्थात उसको क्या हुआ? हानि। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि, अर्थात कि 50 रुपये की हानि हुई है। 50, 250, 300 में से घटाए तो 50 बच गए। तो हानि बटे क्रय मूल्य, तो हानि 50/300 × 100। देख लेते हैं कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 50/3% की हानि हुई है। तो 50/3 मतलब 16 सही 2/3, 16 × 3 = 48 और 2 = 50। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, लघुत्तम 4 अंकी संख्या और महत्तम 3 अंकी संख्या के बीच, लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी 4 अंकी संख्या और महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी 3 अंकी संख्या के बीच के अंतर एवं महत्तम 2 अंकी संख्या और लघुत्तम 3 अंकी संख्या के योग का गुणनफल क्या है? देखिए पहले तो हम इसको व्यवस्थित करते हैं। लघुत्तम 4 अंकी संख्या, तो लघुत्तम मतलब सबसे छोटी 4 अंक की संख्या होती है 1000, और महत्तम 3 अंक की संख्या तो बड़ी से बड़ी 3 अंक की संख्या होती है 999 के बीच अंतर, तो दोनों के बीच अंतर कितना है? 1। एवं महत्तम 2 अंक की संख्या, तो महत्तम 2 अंक की संख्या होती है 99, महत्तम मतलब सबसे अधिकतम, और लघुत्तम 3 अंक की संख्या, तो लघुत्तम होती है 100 के योग का गुणनफल कितना है? मतलब इन दोनों का आपको योग करना है और उसका इसमें गुणा करना है। तो 100 + 99 हो जाएगा 199। 199 का जब मैं एक में गुणा करूंगा तो 199 × 199, फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, बस ये थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया है इसलिए आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
0.002 का मान, सॉरी 312 बटे 0.002 का मान क्या है? तो तीन बार जीरो दे रखा है तो तीन जीरो लग जाएंगे, तीन बार संख्या के बाद दशमलव दे रखा है तो तीन जीरो लग जाएंगे, दो का भाग दे देते हैं तो 2 15 2 30 और 2 6 12 तो 156000 हमारे आंसर हो जाएंगे। कहाँ दे रखे हैं 156000? सेकंड ऑप्शन में दे रखे हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, 100 रुपये की लागत पर 20 दिनों के लिए 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 20 लैंप प्रकाशित किए जा सकते हैं, तो 12 दिनों के लिए 18 घंटे हेतु 40 लैंप प्रकाशित करने की लागत कितनी होगी? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है दिखने में, जितना 100 रुपये की लागत है कितने दिन है, 20 दिन है, कितने घंटे हैं तो 6 घंटे हैं, और कितने लैंप है 20 लैंप है, और रुपए कितने हैं तो रुपए जो आएंगे वो बटे में आएंगे 100 रुपये। ठीक है, अब हमको कितने दिन के लिए चाहिए, तो 12 दिन के लिए चाहिए, कितने घंटे 8 घंटे चलेंगे, कितने लैंप चाहिए तो 40 लैंप चाहिए, तो लागत आपकी जो आ जाएगी हमारे कैलकुलेशन के बाद लागत आ जाएगी x, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। 20 से 20 कट जाएंगे, 6 2 12 12 से 12 कट गया, 2 से 8 कट जाएगा, 2 4 8 तो 4 का 40 में गुणा करेंगे तो हमारे x का मान आ जाएगा 4 4 16, 160 रुपये जो है इसकी लागत आएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा? तो प्रतिशत कमी, उसके लिए अंतर, अंतर वही 10 का बटे अधिक मान, तो अधिक मान आएगा 10% अधिक है तो हमको कम निकालना है, तो कम के लिए बटे में तो अधिक मान आएगा इसे गुणित 100। मैंने आपको बताया था प्रतिशत कम और प्रतिशत अधिक का फॉर्मूला होता है, प्रतिशत कम में हमको क्या करना होता है बटे में अधिक मान लगाना होता है, और प्रतिशत अधिक में हमको बटे में कम मान लगाना होता है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 100 बटे 11, यहाँ दशमलव में दे रखे हैं तो 100 बटे 11 का मतलब होगा 9.09, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, यदि एक बेकर का दर्जन 13 है तो बेकर के दर्जनों के 5 दर्जन कितने होंगे? तो बेकर के दर्जनों के 5 दर्जन, तो दर्जनों मतलब कि 12 और इसके कितने 5, ठीक है ना, दर्जन में तो हो जाएंगे 12 और 5 तो 5, तो 12 5 60 टोटल। अब दर्जन जो है वो कितना है 13 है, तो 13 का भी हम 60 में गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 6 78, 780 हमारे उत्तर हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजाएं 3 गुना बढ़ जाती है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो ध्यान रखिए, भुजा का वर्ग होता है, भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 3 गुना बढ़ गए तो 3 का भी वर्ग हो जाएगा, तो 3 3 9 गुना जो है वो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, 960 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहला भाग दूसरे भाग से 26 अधिक है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ अगर मैं 426 और इन दोनों को जोड़ता हूँ तो बिल्कुल 960 तो आ ही रहे हैं, लेकिन क्या पहला भाग दूसरे भाग से 26 अधिक है? दोनों का अंतर 26 कहाँ आ रहा है? 534 में से मैं 426 घटाऊंगा तो मेरे 26 आंसर नहीं आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी सेम है, यहाँ क्या हो रहा है दोनों का योग 960 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन दोनों का अंतर जो है वो फिर से 26 नहीं हो रहा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में अंतर भी 26 हो रहा है, अगर आप घटाएंगे तो आप प्राप्त करेंगे 26 और दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 960, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन से जो सवाल हो सकते हैं उनको आपको ऑप्शन से ही कर लेने हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। अमित जो कि एक फर्नीचर विक्रेता है, 720 रुपये में एक मेज बेचने को की योजना बनाता है, यदि उसने 20% लाभ प्राप्त किया है तो मेज का क्रय मूल्य क्या था? तो यहीं पर हम कर लेते हैं, बटे में 120 लिख देते हैं और गुणा में क्या आ जाएगा 100। बटे में 120 क्यों लिखा? क्योंकि उसने 20% का लाभ प्राप्त किया है, तो हम इधर x गुणित 120 बटे 100 करते हैं तो बात वही हो जाती है, हम उधर से इधर भेजते हैं, इसको काट देते हैं, 12 6 72, 6 का 100 में गुणा होगा तो 600 रुपये जो था उसका क्रय मूल्य था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, आज के दिन एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 24 वर्षों बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का अनुपात
एक बटे तीन होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, फिर से ऑप्शन से हम कर सकते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं 48 है, तो आज के दिन पिता जो है अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो 4 गुना बड़ा है इसका मतलब 8 चौक 32 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, मतलब कि ये 192 वर्ष का उसका पिताजी है। अब 24 वर्षों बाद की बात हो रही है, तो 24 वर्षों बाद तो दोनों में 24 जोड़ लेते हैं, तो 48 और 24 हो जाएंगे 72, और 192 और 24 कितने हो जाएंगे, तो 192 और 24 हो जाएंगे 4 और 2 6, 19 और 2 21, तो 72 एकम 72, 72 तिया 216, 1:3 बिल्कुल हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा काम चल गया। वैसे तो व्यवहारिकता में किसी की इतनी आयु नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ हमको व्यवहारिकता के अनुसार नहीं चलना है, यहाँ हमको कैलकुलेशन के अनुसार चलना है। तो 48 जो है वो हमारे आंसर हो जाएंगे। अन्य अगर 3 ऑप्शंस को आप इसी प्रकार से बिठा कर करने की कोशिश करोगे तो वो जो है वो सटीक नहीं होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, एक दल ने 16 मैच जीते 5 हारे, यदि मैच खेले गए कुल मैचों का 70% प्रदर्शित करते हैं तो दल को और कितने अधिक मैच जीतने चाहिए जिससे कि 80% जीत का रिकॉर्ड हो जाए। तो ध्यान रखिए, कुल मैचों का 70% जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब 30% मैच अभी और भी बाकी है। तो 21, 16 और 5 कुल कितने मैच हो गए हैं, 21 मैच हो गए हैं। अब 21 जो है वो 70% हैं, तो बचते कितने हैं, देखिए एक्स का 70% टोटल मैच पता नहीं कितने होंगे, एक्स होंगे, तो इसका 70% मैच कितने हैं, 21 है। तो कुल मैचों की संख्या हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं, 1 0 से 1 0 काट जाएंगे, 7 तिया 21, 10 का उधर जाएगा गुणा होगा, तो कुल मैच कितने हैं, कुल मैच आ गए हमारे 30, 10 तिया 30, तो कुल मैच 30 है। और वो क्या बोल रहा है कि कुल मैच में से हमको 80% जीतने हैं, मतलब 8 तिया 24, 80% क्या होगा, 30 का 80% होगा 24, तो टोटल कितने मैच जीतने हैं हमको, 24, तो 24 में से 16 मैच तो उसने जीत लिए, और कितने अधिक मैच और जीतने बचने हैं, तो 24 में से 16 को घटाते हैं, तो 8 हमारे उत्तर आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, 75 लोगों की एक सभा में 35 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और 50 लोग हिंदी बोल सकते हैं, अधिकतम कितने लोग दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। तो पहले तो दोनों को जोड़ते हैं, 35 और 50 कितने होंगे, 85। अब 85 में से 75 घटा लेंगे तो दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग हमको प्राप्त हो जाएंगे, तो 85 में से 75 को घटाते हैं तो 10 उत्तर आते हैं, तो अधिकतम जो है वो 10 लोग जो है वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं जबकि बी और सी उसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि सी और इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे सभी एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं जब तक कि ए और सी नहीं छोड़ देते, कार्य को समाप्त करने के लिए बी को कितने और दिन लगेंगे। मतलब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो बी को बी के द्वारा किया गया कार्य भी निकालना है, बी कितने दिनों में कर सकता है, और 12 दिनों तक जब ये काम तीनों मिलकर करते हैं तो वो भी निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20 तीनों को जोड़ना है। अब इस कैलकुलेशन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या आंसर आते हैं, जब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो आंसर आएंगे 120। अब इसको हम हल करते हैं, तो 30 का 120 में भाग देंगे तो 4 बार, तो 4 एकम 4 प्लस 24 का 120 में भाग देंगे तो 5 बार, 5 एकम 5 प्लस 20 का 120 में भाग देंगे तो 6 बार, 6 और 5 11 और 4 15, 15/120, तो 15 आंटी 120, मतलब कि 8 दिनों में तीनों मिलकर एक साथ कार्य कर सकते हैं। सॉरी, 8 दिनों में, लेकिन चूंकि इनको हमने डबल डबल गिना है तो 8 में फिर क्या करेंगे, हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारे कुल दिन आएंगे। डबल डबल कैसे गिना है, क्योंकि ए और बी दोनों के 30 दिन दे रखे हैं, फिर से इधर बी और सी को डबल गिन लिया, फिर सी और ए को, मतलब हर एक व्यक्ति जो है वो 2 बार गिना गया है, तो इसलिए 2 का मुझे यहाँ गुणा करना है। तो कुल कितने दिन हो जाएंगे जब तीनों साथ साथ कार्य करेंगे, तो 16 दिनों में टोटल कार्य हो सकता है। ठीक है, अब तीनों ने कितने दिनों तक काम किया, 12 दिनों तक काम किया, मतलब कि
12 बटे 16 ठीक है प्लस, अब ए और सी ने छोड़ दिया, अब बी को ही काम करना पड़ा, तो बी की कार्यक्षमता कितनी है, तो 1/16 माइनस सी और ए वाली कार्यक्षमता को मैं घटा देता हूं अर्थात 20 दिन को मैं घटा दूंगा, तो बी की कार्यक्षमता आ जाएगी, ये जो सी और ए जो 20 दिन में काम कर सकते हैं तो 20 दिन में घटा देता हूं, तो बी की कार्यक्षमता जो है मेरी यहां आ जाएगी। बी ने कितने दिन तक काम किया, तो मान लेते हैं एक्स दिन तक काम किया, ये एक्स आ जाएगा। काम टोटल कितना होता है, काम होता है एक। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आते हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 80 ठीक है। इसके बाद 16 × 5 = 80 5, तो 5 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60 प्लस फिर 16 × 5 = 80 5 का एक्स में गुणा करेंगे तो 5x माइनस 20 × 80 4 का एक्स में गुणा करेंगे तो 4x बराबर 1। अभी 80 का एक में गुणा होगा तो 80 एकम क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 5x में से 4x घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। अब ये 60 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, 80 में से 60 घटेगा तो x का मान आएगा 20 दिन, मतलब 20 दिनों में जो है वो और दिन लगेंगे b को काम करने में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक पिता और उसकी पुत्र की आयु का योग जो है वो 45 वर्ष है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु से 4 गुना अधिक था, तो पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। फिर से ऑप्शन से हम करते हैं, तो दोनों की देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दोनों की आयु का योग 45 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 34 और 11 को जोड़ते हैं तो 45, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु थी 29 और इसकी आयु थी 6 वर्ष, तो दोनों की आयु का गुणनफल मतलब 29 × 6, तो पिता की आयु की से 4 गुना, तो 29 × 6 जो है वो 29 का 4 गुना कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। सेकेंड ऑप्शन से करते हैं, जोड़ तो बिल्कुल ये हो रहा है, अब उनकी आयु का गुणनफल 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले तो इसकी आयु 0 हो जाएगी, तो आयु का गुणनफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसलिए सेकंड भी गलत है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या हो जाएगा, अभी दोनों का योग वर्तमान का योग 45 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु हो जाएगी 31 और इसकी आयु हो जाएगी 4, तो उनकी आयु का जो गुणनफल है यानी कि 31 × 4 जो है पिता की आयु से 4 गुना था, तो बिल्कुल 31 × 4 = 31 × 4 होगा, अर्थात थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन से हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, ये पुनः रिपीट हो गया, देखिए 21 वही प्रश्न हमने ऊपर भी किया था और ये फिर से रिपीट हो गया, 36 और 9 हमारे पहले भी आंसर आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत की वजन जो है 55 किलोग्राम है, शिक्षक का वजन भी उसमें शामिल हो जाता है, तो कक्षा का औसत वजन हो जाता है 56 किलोग्राम, तो शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शिक्षक का जो वजन है, शिक्षक अगर जुड़ता है तो एक औसत बढ़ जाता है, टोटल कितने लोग हैं, टोटल 40 विद्यार्थी है, तो 40ों में वो क्या बढ़ता है, एक बढ़ता है, मतलब कि हर एक व्यक्ति में एक बढ़ता है, तो टोटल कितना बढ़ा, 40, और जो औसत है वो कितना है, 56 है, तो 56 और जब मैं 40 को जोड़ लेता हूँ तो मुझे शिक्षक का वजन प्राप्त हो जाता है, आंसर आता है 96 किलोग्राम। ये जो है ये एक ट्रिक के हिसाब से आप मान सकते हो, अगर आप ट्रेडिशनल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 और 55 का गुणा करना है। जब आप 40 और 55 का गुणा करते हैं, क्यों गुणा करना है, क्योंकि ये कुल आयु आ जाएगी 40 विद्यार्थियों की, उसके बाद आपको 41 और 56 का गुणा करना है, 41 और 56 का क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि शिक्षक आ गया, तो कितना हो जाता है वो सब 56 हो जाता है, तो इन दोनों का गुणा करके इसमें से आप घटाओगे तो भी आपका आंसर आएगा 96 किलोग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 10 किलोमीटर घंटा की दर से कम हो जाए तो उसकी दूरी को तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 12 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 1/5, 1/5 कैसे, क्योंकि एक मिनट में हमको अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 का भाग देना है, तो 60 का मैंने भाग दे दिया, 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60, तो ये हो जाएगा उसका समय, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय,
दूरी कितनी थी? तो दूरी थी 10 किलोमीटर की। तो 10 बटे 1 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है ना? ये क्या है, ये समय है 1/5 का, तो 5 ऊपर के ऊपर जाएगा तो गुणा होगा, तो 10 पंजे 50। 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो उसकी रफ्तार है, किसकी? रेलगाड़ी की। तो 50 किलोमीटर प्रति आवर की वो रफ्तार से जब रेलगाड़ी चलती है, अगर उसकी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी कि उसकी गति क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो रेलगाड़ी द्वारा इतनी ही दूरी को तय करने में लिया गया समय। दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा? 10/40, तो 10 चौक 40, 1/4 घंटे। अब 1/4 घंटे यहाँ मिनट में दे रखे हैं, तो 60 का गुणा कर देते हैं तो मिनट में आ जाएगा, तो 4 से 60 कट जाएगा, 15 चौक 60, तो 15 मिनट में जो है वो ये दूरी तय कर लेगी। चलते हैं अगला प्रश्न पर। सरल सवाल था लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े पुरुष को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? तो गति चाल बराबर दूरी बटे समय। जब वो पुरुष को पार कर रही है तब दूरी क्या हो जाएगी उसकी, जो लंबाई है रेलगाड़ी की वो हो जाएगी दूरी, और समय कितना है? 15 सेकंड है। अब ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी है, तो मैंने उसको डी मान लिया है लंबाई को। अब 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस समय दूरी क्या हो जाएगी? उस समय दूरी हो जाएगी 90 प्लस डी। 90 प्लस डी क्यों? क्योंकि 90 जो है वो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और डी क्या है? ट्रेन की लंबाई है। बट उस समय कितना समय लगता है? उस समय लगता है 30 सेकेंड। ये भी चाल बराबर दूरी बटे समय है, और ये भी चाल बराबर दूरी बटे समय है। यहाँ पर दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई बटे समय, और यहाँ दूरी जो है वो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई बटे समय। कैलकुलेशन करेंगे तो दूरी आएगी, दूरी के बाद हम चाल निकाल लेंगे, 15 × 2 = 30। 2 का उधर गुणा होगा तो 2D, ये D उधर से इधर आएगा तो घट जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा 90। अब ये D को यहाँ मैं रखूँगा 90, तो 90/15, तो 15 × 6 = 90, तो क्या हो जाएगी इसकी चाल? हो जाएगी 6 मीटर प्रति सेकेंड। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। दूरी निकालने के बाद ही हम चाल निकाल पाए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक पुरुष को 5 सेकंड में पार करती है, और 300 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति और लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न जो है वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर के साथ में आपको कमेंट करना है कि सर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ये आया है। मैं प्रतीक्षा करूंगा आपके जवाब की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, शांति और रानी ने क्रमशः 85,000 रुपये को 15,000 और 15,000 रुपये का निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 2 वर्ष पश्चात दोनों के बीच में अनुपात किस अनुपात में लाभ को विभाजित किया जाएगा? तो 85:15 के अनुपात में, क्योंकि इसी अनुपात में उन्होंने पैसे लगाए थे। समय दोनों का सेम था इसलिए मैंने गुणित 2 दोनों में नहीं किया है, और 3 जीरो दोनों में लगे हुए तो 3 जीरो दोनों के मैंने नहीं लगाए, क्योंकि ऑलरेडी हमको काटापेटी करनी है। 5 × 3 = 15 और 17 × 5 = 85, मतलब हमारे अनुपात क्या आए हैं? 17:3 आए हैं अनुपात। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट प्रदान करता है, उस पुस्तक के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया मूल्य ज्ञात कीजिए, जिस पर अंकित मूल्य जो है वो 62 रुपये है। तो 62 रुपये पर अगर वो 10% की छूट प्रदान कर रहा है, मतलब 62 × 90/100 पर वो पुस्तक बिक जाएगी। 90/100 क्यों? क्योंकि 100 में से 10 घटाएंगे। 10 क्यों घटाएंगे? क्योंकि 10% की छूट मिल रही है। 10 से 10 कट जाएगा, 62 × 9/10, तो ये हो जाएगा 55.80 रुपये। 9 × 2 = 18, 9 × 6 = 54 और 55, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, 55.80 हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, फिर से वही पता मिलाना है आपको, एल्फोंस, तो यहाँ एल्फोंस हो रहा है, ओ सी एच ए सी एन वेज 54, मेले 49324। अब फर्स्ट वाला सही है तो सेकंड वाले को मिला लो आप। यहाँ एल्फोंस दे रखा है जबकि यहाँ एल्टोंस दे रखा है, यहाँ सेकंड वाले में ही गड़बड़ है, F की जगह T दे दिया है। सेकेंड वाला हमारा आंसर है, देखते हैं। ये देखिए सेकेंड वाला जो है थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए आपको आंखें थोड़ी तेज रखनी है, गलती अपने आप पकड़ में आ जाएगी, प्रैक्टिस भी करनी है आपको। यहाँ फिर से वही अक्षरों संख्याओं का एक क्रम नहीं थे, गलत संयोजन हमको पहचानना है। BFTRB, ये देखिए यहाँ D दे रखा है, तो थर्ड में जो है वो गलत है, तो थर्ड जो है वो हमारा आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न,
औसत ज्ञात करना है, मतलब इन सबको जोड़कर जितनी संख्या है उतने से भाग देना है। तो कितनी संख्या है? छह संख्या है, तो छह से हम भाग दे देंगे। तो 486 जो है इनका योग आता है, 486 में मैं जब 6 से भाग दूंगा तो 6 8 48 और 6 एकम 6, ये हमारा औसत आ जाएगा 81। देखिए आपको योग जरूर करना है, ऐसा नहीं कि सर ने कर दिया तो हम नहीं करेंगे, आलसी हो जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी मेन एग्जाम में जो है आपको टाइम की कमी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए अब अगला टॉपिक आ गया है हमारा साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक्स। तो ये जो टॉपिक है ये हम कब सॉल्व करेंगे? अगले सेट में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए पुनः पुनः धन्यवाद।